डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सी एल वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चुरू। आज का अपना टॉपिक है एक्सटर्नल फीचर ऑफ एस एरियास, जिसको अपन तारा मछली बोलते हैं, स्टार फिश बोलते हैं। उसका अपन बाह्य कैरेक्टर पढ़ेंगे यहाँ पर, केवल एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ एस एरियास, तारा मछली या स्टार फिश जो है उसके बाह्य लक्षण देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इसका कॉमन नाम ये एस्टेरियास है, इसका जूलॉजिकल नाम क्या है, एस्टेरियास, और कॉमन नाम है इसका स्टारफिश। लेकिन इसमें फिश के जैसी कोई संरचना नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है जिसमें ऐसा लगे कि ये एक फिश है। तो इसका नाम जो स्टारफिश दिया गया, उसकी जगह अगर इसका नाम सी स्टार दिया जाए, समुद्री तारा, सी स्टार अगर नाम दिया जाए तो वो ज्यादा बेहतर होता है। तो इसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। सबसे पहले लेते हैं अपन क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में अपन जानते हैं कि ये काइनोडर्मेटा का जंतु है, क्योंकि इसके अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है और इसकी बॉडी के ऊपर स्पाइंस निकले रहते हैं। काइनोडर्मेटा मतलब जो सूल होते हैं त्वचा के ऊपर है, वो सूल से निकले रहते हैं। और इसका सब फाइलम है इलुथ्रोजोआ, और इसके बाद में इसकी जो क्लास आती है वो एस्टेरिया से, जो कि अपन ने इकारोडर्मेटा का जो क्लासिफिकेशन पढ़ा था उसमें काफी डिटेल में पढ़ा था। और इसका जो ऑर्डर है वो है फोर्सिपुलेटा, और जीनस एस्टेरियास है, और इसकी जो स्पीसीज है वो है रूबेंस। तो ये इसका मोटा मोटी क्लासिफिकेशन है, जिसमें इकारोडर्मेटा, सब फाइलम यूथ्रोजोआ, उसके बाद में जो इसकी क्लास आती है वो एस्टेरियास है, ऑर्डर है वो फोर्सिपुलेटा है, और जीनस एस्टेरियास है, और स्पीसीज है वो है रूबेंस। उसके बाद में लेते हैं हैबिट और हैबिटाट। हैबिट और हैबिटाट का मतलब है ये कहाँ रहता है, क्या खाता है, किस प्रकार से रहता है, वो सारी चीजें अपन इसके स्वभाव और आवास में जानने की कोशिश करते हैं। तो ये जो तारा मछली है या स्टारफिश है, वो समुद्र में रहती है, एक तो मेराइन वाटर के अंदर रहती है, और मेराइन वाटर में भी कहाँ पे रहती है, जो समुद्र है उसके अंदर जो रेती, नीचे का जो रेतीला और जो कीचड़ युक्त जो तल होता है, ठीक है, मड्डी जो उसका स्पेस होता है, वहां पर ये पाया जाता है। और इसके अंदर ये पांच भुजाएं पाई जाती है, जिसके अंदर अंदर क्या ट्यूब फिट होते हैं इसके अंदर, जिसकी सहायता से ये कीचड़ के ऊपर है वो चल सकता है। ये स्वभाव से मांसाहारी है, कार्निवोरस है, जो कि छोटे छोटे क्रस्टेशियंस है, पॉलीकिड्स है, मोलस्कल्स है, उसको ये खाता रहता। तो ये इसका भोजन होता है। अंधेरे में रहना ये ज्यादा पसंद करता है, और इसके अंदर है वो एक ऑटोटॉमी पाई जाती है, ये जब चाहे अपनी एक भुजा को है वो तोड़ सकता है, क्योंकि ये पंचभुजी होता है, तो एक भुजा को ये तोड़ सकता है, जिसको अपन जिसे छिपकली है वो अपनी पूंछ जो टेल है उसको तोड़ सकता है, वैसे ये भी अपनी एक भुजा को तोड़ सकता है। तो इसके अंदर ऑटोटॉमी पाई जाती है, इसको अपन ऑटोटॉमी बोलते हैं। रीजनरेशन की इसमें क्षमता पाई जाती है, कि जो क्योंकि जो टेल इसकी टूट जाती है वो वापस है वो रीजनरेट हो जाती है, तो यहाँ पर पुनरुद्भवन या रीजनरेशन की अच्छी कैपेसिटी पाई जाती है। तो ये इसका स्वभाव और आवास होता है। अब यहां पर अपन क्या पढ़ रहे हैं, एक्सटर्नल फीचर्स। तो एक्सटर्नल फीचर्स में देखिए आप, इसकी जो बॉडी है उसके मेनली वैसे देखा जाए तो दो पार्ट होते हैं। एक तो इसके बीच में देखिए ये एक रिंग नुमा संरचना दिखाई दे रही है, जिसको अपन सेंट्रल डिस्क बोलते हैं। तो ये इसकी एक सेंट्रल डिस्क है, ये जो अपन ने दिखा रखी है ये इसकी सेंट्रल डिस्क है, पंचभुजी है, ये पेंटामेरस होता है इसमें, ठीक है। तो ये इसके अंदर ये पंचभुजी एक अंदर डिस्क पाई जाती है, तो ये तो सेंट्रल डिस्क होती है, और इसके अलावा इसके अंदर पांच है वो फाइव आर्म्स होती है। तो इसकी बॉडी के पार्ट अगर अपन देखें तो दो ही पार्ट है, एक तो है इसका सेंट्रल डिस्क और दूसरा है इसके अंदर पाई जाने वाली पांच आर्म्स होती है। तो ये इसकी बॉडी के इतने ही इसके पार्ट है। लेकिन अपन यहां पे जब इसका बाह्य कैरेक्टर पढ़ रहे हैं तो अपन इसको दो तरीके से पढ़ेंगे। एक तो ये है कि ये जो जो एनिमल है इसका अपन ने ये डोर्सल साइड का डायग्राम बनाया है, डोर्सल साइड, और ये वाला जो डायग्राम है वो वेंट्रल साइड का है। इस डोर्सल साइड को अबोरल सरफेस भी बोलते हैं और वेंट्रल साइड को ओरल सरफेस भी बोलते हैं। अब इसको ओरल सरफेस इसलिए बोलते हैं कि इस साइड में जो वेंट्रल साइड है, जब ये जंतु पानी में तैरता है तो ये वाली सरफेस इसकी डोर्सल है और ये वाली क्या कहलाती है, वेंट्रल।
इस वेंट्रल के ऊपर यहां पर इसका माउथ होता है, इसका मतलब ये इसकी ओरल सरफेस हो गई और ये हो गई अब ओरल सरफेस, क्योंकि जिस ओर माउथ होता है वो क्या कहलाती है ओरल सरफेस, और जिस ओर एनस होता है वो कहलाती है अब ओरल सरफेस। तो ये इसकी डोर्सल साइड है और ये इसकी वेंट्रल साइड है। डोर्सल साइड पे अगर आप देखोगे तो यहां पर इसकी एनस मिलेगा और वेंट्रल साइड के ऊपर ये देखोगे तो क्या मिलेगा माउथ। तो माउथ मिलता है इसलिए इस वेंट्रल साइड को अपन क्या बोलते हैं ओरल सरफेस, और यहां पर एनस मिलता है इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं अबोरल सरफेस। तो ऊपर की साइड है वो वेंट्रल या अबोरल सरफेस और जो नीचे की साइड है वो क्या कहलाती है वेंट्रल या ओरल सरफेस। ठीक है, अब इन सॉरी अब इस ओरल सरफेस पे और अबोरल सरफेस के ऊपर कौन कौन सी स्ट्रक्चर मिलती है, कौन कौन से बाह्य कैरेक्टर मिलते हैं उनका अपन देखते हैं कौन कौन से। तो सबसे पहले लेते हैं अपन अबोरल सरफेस। अबोरल कौन सी है, ये वाली सरफेस जो ऊपर वाली है। तो इसमें देखिए सबसे पहला आता है मेड्रिपोराइट। मेड्रिपोराइट इस सरफेस में क्या क्या संरचना है, मेड्रिपोराइट है, एनस है, स्पाइंस या ट्यूबरकल्स है, डर्मल ब्रेंकी या गिल्स है और पेडिस्ट्री है। ये पांच संरचनाएं पांच स्ट्रक्चर इसकी डोर्सल सरफेस पे पाई जाती है। देखते हैं एक एक को। सबसे पहले देखिए मेड्रिपोराइट, ये अपन ने यहां पर बना रखा है, ये मेड्रिपोराइट है। अब ये मेट्रिपोराइट के कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई एक प्लेट होती है, कैल्केरियस प्लेट होती है एक तरीके से, और उसके अंदर लगभग राउंडेड है ये, और इसके अंदर ठीक है राउंडेड है, और इसके अंदर लगभग 250 पोर्स पाए जाते हैं, लगभग 250 के करीब इसके अंदर छिद्र पाए जाते हैं, और इन छिद्र के द्वारा इसके अंदर पानी प्रवेश करता है जो आगे जाकर के इसके वाटर वेस्कुलर सिस्टम के अंदर जाता है। तो ये एक सिवनुमा है, चलनीनुमा एक प्लेट होती है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई, और उसके अंदर खूब सारे पोर्स होते हैं, यहां से इसके अंदर पानी प्रवेश करता है जो कि आगे जाकर के वाटर वेस्कुलर सिस्टम में पाया जाता है। तो ये कहलाता है मेड्रिपोराइट। मेड्रिपोराइट इस मेड्रिपोराइट के कहां है, इसकी पोजिशन क्या कहां है, देखिए ये आर्म है, ये दूसरी आर्म है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। दो आर्म का इंटररेडी रेडियस, दोनों आर्म के बीच में ये दो, जहां से दो आर्म निकलती है वहां पे ये पाया जाता है। तो इन दो आर्म के बीच में ये यहां पे जहां से ये दो आर्म निकलती है उसका जो इंटर सॉरी रेडियस रेडी जो स्पेस है वहां ये इसकी लोकेशन होती है। इसीलिए इन दो भुजाओं को दो आर्म को बोलते हैं बाइवियम। बाइवियम बाइवियम ये दो भुजा क्या कराती है आर्म क्या कराती है बाइवियम, और ये तीन जो भुजा है जहां पर मेड्रिपोराइट नहीं है उसको अपन बोलते हैं ट्राइवियम। तो ये बाइवियम वाली ये दो आर्म बाइवियम और ये तीन आर्म क्या कराती है ट्राइवियम। बाइवियम इसलिए कि इन दोनों के जंक्शन के ऊपर यहां पर क्या पाया जाता है सेंट्रल डिस्क के ऊपर क्या पाया जाता है मेड्रिपोराइट। तो ये इसकी लोकेशन है, चलनीनुमा है, खूब सारे इसके अंदर पोर्स होते हैं और यहां से इसके अंदर पानी प्रवेश करता है। तो ये मेड्रिपोराइट जो कि अबोरल सरफेस के ऊपर मिलता है। उसके बाद में देखिए एनएस, जो सेकेंड स्ट्रक्चर आती है वो एनएस, ये यहां पर अपन एनएस दिखा रखा है इसका। तो ये एनएस का बीच में सेंटर में नहीं है, सेंटर के थोड़ा नजदीक है लेकिन सेंटर पे नहीं है, ये इसका एनएस होता है जहां इसमें इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल है इस एनएस के द्वारा है वो बाहर खुलती है। तो ये एनएस इसका दूसरी स्ट्रक्चर है। थर्ड देखिए स्पाइन और ट्यूबरकल। स्पाइन और ट्यूबरकल, स्पाइन का ही नाम क्या है ट्यूबरकल। अब इसकी बॉडी के ऊपर डोर्सल सरफेस के ऊपर आप देखोगे तो खूब सारे ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे क्या है इसके स्पाइंस है, या इसको अपन ट्यूबरकल भी बोलते हैं। तो ये यहां पे खूब सारे स्पाइंस पाए जाते हैं, ये जितने भी है ये ट्यूबरकल्स है इसके ऊपर पाए जाने वाले। और जो दूसरी संरचना हुआ है डर्मल ब्रेंकी और गिल्स, वो भी इसी सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं। और तीसरी संरचना पेडिस्टली, यहां पर इसके ऊपर खूब सारी पेडिस्टली पाई जाती है। इन तीनों संरचनाओं के बारे में, तीनों स्ट्रक्चर के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा, अभी मैं ये बता रहा हूं कि अबोरल सरफेस के ऊपर ये तीनों संरचनाएं पाई जाती है। अब ये तीनों संरचनाएं किस प्रकार से, देखो एक तरीके से स्पाइन नुमा होती है, सारी की सारी संरचना है वो स्पाइन नुमा निकली रहती है। लेकिन जब अपन सरफेस को अगर देखेंगे, अगर अपन एक्चुअल अगर स्टारफिश को अपन देखें तो अपने को ये तीनों स्ट्रक्चर है वो एक जैसी दिखाई देती है, क्योंकि अपने को क्या दिखाई देगा इसका
जो डोर्सल सरफेस है उसके ऊपर से अपन देखेंगे तो अपने को बारीक 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 रेत की जो सेंड होती है, रेत होती है, उसके जो जो पार्टिकल्स होते हैं वैसी संरचना दिखाई देती है। लेकिन वो संरचना अपने को देखते हैं तो एक जैसी दिखाई देती है, लेकिन उसमें तीन संरचना होती है, स्पाइन, ट्यूबरकल, डर्मल ब्रेकी और पेडिस्ट्री। तो वो यहाँ पर इनके ऊपर पाई जाती है। अब इसी का एक पीस लेकर के अपन एक यहाँ डायग्राम बना रखा है, ये वाला डायग्राम जो इस डोर्सल सरफेस के का जो डायग्राम बना रखा है अपन ने, वो तीनों संरचना अपन ने यहाँ दिखा रखी है। देखिए ये जो दिखा रखा है ये बीच में अपन ने, ये ट्यूबरकल या स्पाइन यही वाला। सेकंड देखिए डर्मल ब्रेंकी, ये अपन ने देखिए ये जो दिखा रखा है वो डर्मल ब्रेंकी है। और जो थर्ड दिखा रखा है वो है पेडिस्ट्री, ये वाली अपन ने यहां पर दिखा रखी है पेडिस्ट्री। तो इस प्रकार से ये तीनों संरचनाएं डोर्सल सरफेस के ऊपर पाई जाती है। अब देखिए है क्या, एक एक को लेते हैं अपन। सबसे पहले लेते हैं स्पाइन या डोर्सल ट्यूबरकल। अब इस ट्यूबरकल को अपन देखें तो ये कैल्शियम का बना हुआ एक स्पाइन होता है और नॉन मूवेबल है, वो एक स्थान पर फिक्स रहता है। तो इस प्रकार की खूब सारी स्पाइन इस डोर्सल सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं। लेकिन ये जो दो स्ट्रक्चर है डर्मल ब्रेंकी और पेडिस्ट्री, ये ना केवल डोर्सल सरफेस में पाया जाता है जबकि वेंट्रल सरफेस में भी मिलती है। यानी जो स्पाइन या ट्यूबरकल है वो केवल डोर्सल सरफेस में मिलेगा और डर्मल ब्रेंकी और जो पेडिस्ट्री है वो डोर्सल पर भी है और वेंट्रल सरफेस के ऊपर भी है। तो सेकंड लेते हैं अपन डर्मल ब्रेंकी और पेपुली, इसका दूसरा नाम क्या है, पेपुली। तो ये जो अपने स्ट्रक्चर दिखा रखी है ये सारी की सारी क्या है, डोर्सल ब्रेंकी या गिल या पेपुली, जो कि रेस्पिरेशन के अंदर काम आती है। तो ये पूरी की पूरी सरफेस के ऊपर पाई जाती है, दोनों सरफेस पे, डर्मल ब्रेंकी अबोरल पर भी है और ओरल पर भी है, लेकिन स्पाइन है वो केवल है वो डोर्सल सरफेस के ऊपर है। थर्ड जो संरचना आती है वो है पेडिस्ट्री, ये अपन ने यहां पर दिखा रखी है, ये सारी की सारी क्या है, पेडिस्ट्री है। ये पेडिस्ट्री क्या करती है कि इसकी सफाई का काम करती है, यानी डोर्सल सरफेस पे और वेंट्रल सरफेस के ऊपर। कोई भी अगर उसके ऊपर डस्ट या कोई भी गंदगी या कोई भी लार्वा भी चिपके हुए, छोटे छोटे इंसेक्ट भी अगर चिपके हुए तो ये चिमटी नुमा होती है तो उसकी सफाई करती रहती है। तो ये मेनली क्या करती है, क्लीनिंग का काम करती है। सॉरी पेडिस्ट्री है वो क्लीनिंग का काम करती है, चिमटी नुमा होती है जो उठा उठा करके उसको पकड़ पकड़ के या अलग डालती रहती है। कुछ पेडिस्ट्री है वो जो इसका भोजन होता है, प्रे होता है, उसको पकड़ने का काम भी करती है, फूड कैप्चरिंग का काम भी करती है। तो ये पेडिस्ट्री का कार्य है। तो ये पेडिस्ट्री क्लीनिंग का काम करती है, डर्मल ब्रेंकी और पेपुली जो है वो रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, और ये ट्यूबरकल्स है यानी स्पाइन है जो कि इसका प्रोटेक्शन का काम करते हैं। अब ये जो पेडिस्ट्री है तो यहां पर जो स्टारफिश है उसके अंदर जो पेडिस्ट्री होती है वो स्टार्क्ड होती है, यानी उसके नीचे एक वरंत होता है, फिर उसके ऊपर ये जैसे वरंत दिखा रखा अपन ने, और उसके ऊपर क्या लगी रहती है, पेडिस्ट्री लगी रहती है। और ये पेडिस्ट्री है वो दो प्रकार की होती है, एक तो होती है स्ट्रेट और एक होती है क्रॉस टाइप की पेडिस्ट्री। काम क्या है इनका, क्लीनिंग का। स्ट्रेट टाइप की जो जो पेडिस्ट्री होती है उसको अपन फोरसेप लाइक होती है, वो फोरसेप लाइक होती है और ये सीजर लाइक होती है। क्या होता है इसके अंदर, एक तीन प्लेट होती है इन जो पेडिस्ट्री होती है, ये अपने पेडिस्ट्री का डायग्राम बना रखा है, दो टाइप की, एक तो फोरसेप लाइक और एक सीजर कैंची नुमा और ये चिमटी नुमा। फोरसेप लाइक यानी चिमटी नुमा, सीजर लाइक यानी कैंची नुमा। होता क्या है, इनमें तीन बेसल, तीन प्लेट होती है। देखिए ये वाली बेसल प्लेट है, ये वाली अपने क्या दिखाया, बेसल प्लेट। और इस बेसल प्लेट के ऊपर दो प्लेट होती है जो कि ब्लेड बनाती है। ये देखो अपने यहां पर ब्लेड दिखा रखा है, तो ये ब्लेड है। इसी प्रकार से अगर सीजर वाली में देखो आप, सीजर टाइप की जो है, क्रॉस टाइप की, उसमें देखो ये ब्लेड है, दो ब्लेड, जो कि एक प्लेट होती है वो मॉडिफाई होकर क्या बनाती है, ब्लेड या हार्म्स। तो ये दो प्रकार की होती है। अब देखिए यहां पर ये वाली क्या कराती है, स्ट्रेट टाइप या फोरसेप टाइप, इनके दोनों के दोनों जो ब्लेड है वो आकर के इस प्रकार से चिपते हैं, पूरा का पूरा ब्लेड है वो पैरेलल आकर के इस प्रकार से चिपता है, इसलिए इसको फोरसेप नुमा बोला गया। और ये वाली सीजर लाइक है,
तो ये जो दो ब्लेड है यहां देखिए इसके दांत नुमा संरचना दिखाई दे रहे हैं, तो ये कैंची की तरह चलती है इस तरीके से, तो इसको इसको बोलते हैं सीजर लाइक। तो ये सीजर लाइक है पेडिस्लरी है और ये फोर शेप लाइक है। तो ये दोनों ब्लेड यहां पर आपस में अभी अपने इसको एकदम से अटैच करके दिखाया, तो ये है फोर शेप टाइप और ये है सीजर लाइक। इसके अलावा यहां पर देखिए, यहां पर दिखा रखा है, अब इनको खोलने और बंद करने का काम क्या कौन करता है, मसल्स। तो यहां पर देखिए ये अबडक्टर मसल्स दिखा रखी है और ये देखिए ये यहां पर अपने अडक्टर मसल्स, ये अडक्टर मसल है, इसके साथ में देखिए ये भी अडक्टर मसल्स है और अपन ने ये क्या दिखा रखा है, अबडक्टर मसल्स। तो यहां पर खूब सारी मसल्स पाई जाती है जो कि इसको खोलने और बंद करने का काम करती है। इसी प्रकार से देखो यहां पर क्लोजिंग मसल्स दिखा रखी है जो इसको, ये मसल्स है इसको बंद करने का काम करती है। तो कहने का मतलब है कि ये पेडिस्लरी है वो क्लीनिंग का काम करती है, और आप इसका डायग्राम है वो अच्छी तरीके से है वो याद करके रखें, क्योंकि कई बार क्वेश्चन के अंदर केवल पेडिस्लरी का डायग्राम पूछ लिया जाता है, तो आप इसके डायग्राम पर आप अवश्य ध्यान देंगे। जूलॉजी के अंदर आप डायग्राम पे विशेष ध्यान देंगे, अगर आपने डायग्राम करेक्ट बना दिया इसका मतलब आपको आता है, आप उसका डिस्क्रिप्शन छोटा भी कर सकते हैं। तो ये अपन जो पढ़ा वो क्या है, केवल अबोरल सरफेस के ऊपर पढ़ा है। अब लेते हैं अपन ओरल सरफेस, ये जो डायग्राम बना रखा है अपन ने वो किसका बना रखा है, ओरल सरफेस का। अब इस ओरल सरफेस के ऊपर क्या क्या स्ट्रक्चर है, पहला क्या है माउथ, देखिए इस ओरल सरफेस के ऊपर सबसे बीचों बीच क्या माउथ है इसका, और ये माउथ गोल दिखाई देता है आपको यहां पे, ये गोल नहीं है ये पेंटागोनल है, पंचभुज ये माउथ होता है, ये पेंटागोनल माउथ होता है सेंटर के अंदर। और इस माउथ के दोनों चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं प्री ओरल मेम्ब्रेन, यहां पर इसके चारों तरफ क्या है प्री ओरल मेम्ब्रेन है। और इस मेम्ब्रेन के फिर बाहर की तरफ छोटे छोटे बकल स्पाइंस पाए जाते हैं, वो भी फाइव पेचेस में होते हैं, यहां इस प्रकार से ये इस प्रकार से ये क्या पाए जाते हैं बकल स्पाइंस पाए जाते हैं। तो ये बीचों बीच क्या पाया जाता है इसका माउथ। माउथ के बाद में देखिए क्या है अम्बुलेक्रल ग्रूव है, ये अम्बुलेक्रल ग्रूव। तो ये अंदर देखिए आप ये बीचों बीच अपन ने क्या दिखा रखी है अम्बुलेक्रल ग्रूव, ये अम्बुलेक्रल ग्रूव है। अब आप ये कहेंगे कि ये अम्बुलेक्रल ग्रूव है तो आपने डोर्सल साइड में क्यों नहीं बताई, वेंट्रल में क्यों बता रहे हैं, वो इसे वेंट्रल साइड में अपन इसलिए बता रहे हैं कि ये एक आर्म है, तो आर्म अगर ये है तो ये डोर्सल सरफेस है मान लीजिए, तो वेंट्रल सरफेस में क्या होगा, ये वाला जो साइड है वो आधा आया हुआ है और ये वाला साइड आधा आया हुआ है, बीच में आपको यहां पर स्पेस दिखाई देगा। तो अंदर जो ग्रूव है वो क्या कहलाती है एम्बुलेक्रल ग्रूव कहलाती है, एम्बुलेक्रल ग्रूव। और इस एम्बुलेक्रल ग्रूव के ऊपर खूब सारे यहां पर क्या पाए जाते हैं स्पाइंस, यहां पे खूब सारे स्पाइंस पाए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर आप बाहर की तरफ देखोगे तो दो या तीन रो के अंदर स्पाइन पाए जाते हैं, और वो स्पाइंस इस तरीके से आकर के क्या करते हैं इस प्रकार से इस एम्बुलेक्रल ग्रूव को बंद कर लेते हैं, इधर वाले स्पाइन और इधर वाले स्पाइन आपस में यूं बंद हो जाते हैं ताकि बाहर से कोई भी इंसेक्ट या अन्य छोटा जो जीव है अंदर प्रवेश ना कर सके। तो ये एम्बुलेक्रल ग्रूव है। डोर्सल साइड से अगर आप देखोगे तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन जैसे आप एनिमल को वेंट्रल साइड से देखोगे तो वेंट्रल साइड में आपको एक खांच दिखाई देगी, ग्रूव दिखाई देगी, क्योंकि वो ग्रूव साइड से ऊपर से क्या ओपन है। अब उस ओपन साइड के ऊपर यहां पे दो या तीन रो के अंदर खूब सारे स्पाइन पाए जाते हैं, वो स्पाइन इस तरीके से रहते हैं और वो खुल भी सकते हैं, तो यानी मूवेबल है। और इसके बाहर फिर दो रो के अंदर और स्पाइन होते हैं, वो इमूवेबल होते हैं, वो मूवमेंट उनमें नहीं होता है। और फिर उसके बाहर एक लेयर और होती है जिसको मार्जिनल स्पाइन बोलते हैं। तो खूब सारे स्पाइन बताए मैंने आपको, दो या तीन रो के अंदर तो क्या मूवेबल स्पाइन है, उसके बाद में तीन रो के अंदर यहां पे जो है इमूवेबल, जो जिनमें गति नहीं होती है वो स्पाइन पाए जाते हैं, फिर ऊपर बाहर एक मार्जिनल स्पाइन और पाए जाते हैं जो कि इस एम्बुलेक्रल ग्रूव को ढके रहते हैं। तो इस प्रकार से जो ये अपन ने स्पाइन बताए वो उन स्पाइन का भी नाम क्या हो गया एम्बुलेक्रल स्पाइन, क्योंकि वो एम्बुलेक्रल ग्रूव को ढकते हैं, इसलिए इनका नाम क्या हो गया एम्बुलेक्रल स्पाइन।
देखिए आप, ग्रुप के बाद स्पाइन आ गया, उसके बाद में देखिए ट्यूब फिट, यहां पे ये माउथ है और ये इसकी रिंग कैनाल है। रिंग कैनाल से जब अपन वाटर वेस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे इसका, तब आपको डिटेल में समझ में आएगा कि इस एम्बुलेटरी ग्रुप के अंदर रेडियल कैनाल जाती है, रेडियल कैनाल, और उस रेडियल कैनाल के ऊपर इस तरीके से ये रेडियल कैनाल आती है, और इस रेडियल कैनाल के ऊपर ये साइड में क्या निकली रहती है, लेटरल कैनाल, लेटरल कैनाल, और इस लेटरल कैनाल के ऊपर यहां पे क्या लगे रहते हैं, ट्यूब फिट, जो इसको चलने में मदद करते हैं। तो यहां पे इसके अंदर खूब सारे क्या पाए जाते हैं, प्रत्येक एम्बुलेटरल खांच के अंदर एक रेडियल कैनाल जाती है, रेडियल कैनाल से लेटरल कैनाल निकलती है, और लेटरल कैनाल के ऊपर क्या लगे रहते हैं, खूब सारे ट्यूब फिट, जो इसको हाइड्रोलिक मूवमेंट जो होता है उसमें वो हेल्प करते हैं। तो एक तरीके से इसके पैर है, ये जो ट्यूब फिट है वो एक तरीके से पैर है। टर्मिनल स्पाइंस देखिए आप, प्रत्येक स्टारफिश को अगर आप अगर गौर से देखो वेंट्रल साइड से, तो इसका जो एंड होता है प्रत्येक आर्म का, वहां पर एक स्पाइन होता है, इस प्रकार से एक स्पाइन होता है, ये क्या कहलाता है, टर्मिनल स्पाइन, ये टर्मिनल स्पाइन है। तो ये स्पाइन एक्चुअल में सिलोम का ही पार्ट है, यानी यहां की जो रेडियल कैनाल जाती है वो इसके अंदर तक लास्ट तक जाती है। तो ये इसका क्या कहलाता है, टर्मिनल स्पाइन, जो कि प्रत्येक आर्म के एंड में होता है, और उसके बाद में आता है आई स्पोर्स, जो अपन ये टर्मिनल स्पाइन बताए, इस टर्मिनल स्पाइन के बेस के ऊपर एक छोटा सा गोल स्पॉट होता है रेड कलर का, जो इसका आई स्पॉट कराता है, और इस आई स्पॉट के अंदर क्या होता है, खूब सारी ओसेलाई होती है, नेत्रक होते हैं, खूब सारी ओसेलाई होती है, जो कि फोटो रिसेप्टिव होते हैं, यानी जो देखने के काम में आते हैं। तो इस प्रकार से ये इसके एक्सटर्नल फीचर्स है, जो कि अपने किस प्रकार समझे, एक अबोरल सर्फेस बताया जिस ओर एनस होता है, एक ओरल सर्फेस जो नीचे की तरफ होती है, वेंट्रल होती है, जिसको अपन जिस पर माउथ होता है उसको अपन ने ओरल सर्फेस बोला है। इस अबोरल सर्फेस के ऊपर मेडिपोराइट बताया अपन ने, दो भुजाओं के बीच में, बाइवियम भुजाओं के बीच में, और बाकी बचगी वो तीन ट्राइवियम। एनस होता है सेंटर से थोड़ा हट करके, एनस होता है, और ये तीन प्रकार की जो संरचना है, कौन सी, स्पाइन, डर्मल ब्रैंकी और पेडिस्टली के बारे में बताए। इसके बाद में अपन आते हैं ओरल सरफेस पे, ओरल सरफेस के ऊपर सबसे पहले माउथ, उसके बाद में ये एम्बुलेटरल ग्रूव, और इस ग्रूव के ऊपर ऊपर ने खूब सारे यहाँ पे स्पाइंस बताए, और उसके बाद में इसके अंदर क्या बताए, ट्यूब फिट्स, और लास्ट में क्या बताए, यहाँ पे टर्मिनल स्पाइन बताए, और टर्मिनल स्पाइन के बेस के ऊपर एक रेड कलर का स्पॉट होता है, जिसको अपन आई स्पॉट्स बोलते हैं, जिसके अंदर ओसिलाई पाई जाती है और वो फोटो रिसेप्शन का काम करता है। तो इस प्रकार से ये एस्टेरियास के बाह्य कैरेक्टर मान लीजिए, बाह्य लक्षण मान लीजिए, एक्सटर्नल फीचर्स हैं। तो ये यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। मैं जहाँ तक समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मेरा बनाया हुआ वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक अवश्य कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे वीडियो को देखते हैं, पसंद भी आता है, लेकिन वो लाइक करना भूल जाते हैं। तो आप मेरी वीडियो को लाइक अवश्य करिए अगर आपको पसंद आता है तो, और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स।